जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के बारे में जितना भी बोला जाए उतना कम है। गुरु जी के लिए बढ़ता प्यार एक दिन हमें यहाँ ला देगा, कभी सोचा नहीं किसी ने। हर वक्त आंखों के सामने गुरु जी को रखना और उनको फील करना हर जिंदगी के पहलू पर हमारी आदत बन चुकी है। जिस तरह टाइम किसी के लिए रुकता नहीं, उसी तरह गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमारे लिए कभी रुकती नहीं, जस्ट ग्रेजुअली बढ़ती ही जाती है। गुरु जी, ये वो वर्ड है जिसकी महिमा सारी दुनिया जानती है, बट हम संगत के लिए ये वर्ड उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है, क्योंकि जो इस दुनिया का करता धरता है उन्हें इस वर्ड को अपने आप को हम लोगों के कलयुग ह्यूमंस के ब्रेन में थोड़ा सा समझ आ जाने के लिए चूज़ किया। हम इतने नादान हैं कि खुद भगवान आकर भी कहें कि आई एम गॉड तो नहीं मानेंगे। गुरुजी ने सिर्फ हम सबके कल्याण के लिए अपने आप को ये नाम दिया, क्योंकि उनका मोटो सिर्फ हमारा कल्याण करना था और कुछ भी नहीं। गुरुजी, इस अर्थ पर जब से अवतरित हुए उन्हें ना जाने कितनों का कल्याण किया और कर रहे हैं, बस इसलिए कि हम उनके बच्चे हैं। इन लाइफ एनी सिचुएशन, गुरुजी के बारे में जैसे ही हम सोचते हैं एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि हमें हर चीज़ का जवाब मिल जाता है। गुरुजी इस महाशिव, हम इस बात को किसी अनजान से कहें तो शायद वो ना माने, बट अगर इसके बारे में अगर किसी भी संगत से पूछो तो उनके आँखों की चमक, एक स्माइल और उनकी ब्लेसिंग्स का व्याखन इज़ मोर देन इनफ। आजकल लाइफ में हम सब इतने खो चुके हैं कि हमें हमारी खुशी का ध्यान ही नहीं रहता। हर वक्त बस दुनियादारी में अपनी लिविंग्स के लिए बस जिए जा रहे हैं। सारी दुनिया गॉड को फाइंड करने में लगी है और हम उन्हीं के चरणों में हैं जिनको गुरुजी ने अपने पास बुलाया और ब्लेसिंग्स दी। उनकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आती हैं या कुछ भी होता है तो हमें बिना कुछ पता लगे गुरुजी कैसे क्या कर रहे हैं फॉर आर हैप्पीनेस, वो ज़्यादा अमेजिंग होता है। गुरुजी के फिज़िकल रूप की बात करें तो अनडाउटली व्याखन नहीं हो सकता वर्ड्स में, क्योंकि जब वो चोला पहनकर निकलते थे उनकी बॉडी सन की तरह शाइन कर रही होती। सच बताएं तो वक्त को गुरुजी थाम लेते थे और ऐसा लगता था कि वी आर इन द सेपरेट वर्ल्ड जहां सिर्फ गॉड है और हम हैं। वो सामने बैठे हैं और हम उनमें खोए हुए हैं। गुरुजी की प्यारी सी स्माइल देखकर मानो हमारी पूरी बॉडी वाइब्रेट एंड एनर्जी से फुल हो जाती। उनका बोला हुआ वर्ड एक अमृत का प्याला लगता। गुरुजी ने अपने पास बुलाकर हम सभी संगत को वो दिया है जो देवताओं को मिलना मुश्किल है। हमें कुछ पता नहीं और ना हमें जानना है, बस इतना जानती हूँ कि हम सबसे ज़्यादा लकी और स्पेशल इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारी किस्मत इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं दे सकती। गुरुजी हमारी हर छोटी बड़ी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। हमें कुछ भी पता नहीं कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या बुरा, बट वो हमारी हर चीज़ों को जानते हैं। गुरुजी हमारे लिए जो अच्छा होता है वही करते हैं। एक बार एक अंकल ने सोचा कि गुरुजी वैसे तो बहुत प्यार करते हैं, बट कभी कभी लगता है कि वो मेरे करीब नहीं है। कुछ दिनों बाद उनका बर्थडे था। जब वो मंदिर गए तो सेलिब्रेशन चल रहा था। अंकल साइड में जाकर बैठ गए, लंगर किया और जैसे ही माथा टेकने लगे तो गुरुजी कहते हैं, स्पेशल ब्लेसिंग्स चाहिए, ऐश करी जा। ऐसे ही हमारे गुरुजी हम सबकी मन की बात जानते हैं।
अब जो हमारे मन की बात तक जानते हैं, तो उनसे हमारे बारे में क्या छिपा है? ही इज़ अल्टीमेट गॉड। एक बार एक आंटी में एक सोल आ गई और फैमिली को परेशान कर रही थी। जब गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट लेकर गए तो गुरुजी कहते हैं, कित्थों कित्थों आ जानदे हैं, जा फिर ना आई। एंड उस वक्त आंटी बेहोश हो जाती है एंड शी बिकेम परफेक्ट। उनकी ब्लेसिंग्स इतनी है कि एवरीवन इन संगत इफ स्टार्ट इट्स अनलिमिटेड। गुरुजी अपने पास खुद ही बुलाते हैं, उनकी विश के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। गुरुजी ने हम संगत को बस इतना सा काम दिया कि उनके पास आओ और ब्लेसिंग्स ले जाओ। गुरुजी की कार का जब सायरन बजता तो सब संगत बस उनकी एक झलक पाने के लिए तैयार हो जाते। सब उनके सिंहासन की तरफ खींचे चले जाते और जब गुरुजी अपने डिवाइन चोले में आकर सिंहासन पर बैठते तो ऐसे लगता कि गॉड हमारे सामने बैठकर हमारी विशेष पूरी करने के लिए आ गए हैं। उनको देखकर सब खो जाते किसी और दुनिया में। सब उनका माथा टेक कर बैठ जाते और उनको निहारते। उनकी आईज़ कहीं और होती और वो देख कहीं और होते। गुरुजी के सामने बैठकर उनके चूस किए हुए अमृत शब्द सुनते हुए चाय प्रसाद और लंगर लेना इज़ लाइक डिवाइन सीन। ट्रैक्स लाइक स्वासन दी माला, आज सड्डे गुरु अवाना जी, लख खुशियाँ पाठ सहियाँ, जे सदगुरु नदर करे, मेरा सदगुरु में तुझ बिन और ना कोई, सदगुरु दया करे, पाप ना कर बंदिया, बहुत जन्म बिछड़े थे मधो, रख ले गरीब जाके बाबा में करमहीन कुरियार, गुरु पीरा की चकरी बख्श लो महाराज, मेरे हृदय ते सदगुरु नाम लिख दे, नदर करे ता सिमर राम रस पिया रे, कबीर वाणी एंड मैनी मोर। गुरुजी संगत को देखकर बहुत खुश होते। हमें हंसते खेलते देखकर उनके फेस पर जो स्माइल होती उसके लिए कोई वर्ड ही नहीं। गुरुजी की तीसरी आंख क्लियरली विजिबल होती, इतने स्वीट और नॉटी। गुरुजी डांस करवाते, लाइव किसी से भी सत्संग सुनवाते, नॉर्मल कैजुअल्स में बाहर आते, सबको देखते बात करते, इतने इनोसेंट बन जाते जैसे कुछ पता ही नहीं। सबको एट द मोमेंट पूरी फाइल निकाल दे के दे देते। उनके पास जाते जाते एक अजीब सी कशिश उठती कि काश गुरुजी के चरण टच कर लें, और जैसे ही वहाँ पहुँचते कभी गुरुजी के चरण ही नहीं मिलते तो कभी गुरुजी खुद ही आगे कर देते अपने चरणों को। किसी की शादी में इनवाइट कर देते कार्ड देकर और वहाँ जाते भी। सब कुछ बहुत अमेजिंग होता था। गुरुजी का लंगर प्रसाद जब स्टार्ट भी नहीं हुआ उसकी खुशबू पहले से ही आने लग जाती। उनको टच करते तो इतने दिनों तक फ्रेग्रेंस हमारे पास होती। उनके हाथों को दिया हुआ प्रसाद का टेस्ट कहीं भी नहीं जाता। बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े, कभी फील ही नहीं होने देते कि हम गॉड के साथ हैं। उनकी बॉडी की शाइन, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, इंटेलिजेंस, एवरीथिंग इज़ डिवाइन। गुरुजी फुल ऑन ऐश करवाते, हमें पता भी नहीं चलता वो हमारे लिए कब क्या कर जाते हैं। गुरुजी की महिमा का जितना गुणगान करो कम है। गुरुजी हवा में अपने हाथ उठाते और सचखंड का प्रसाद आ जाता, ऐसा हमारी इन आँखों ने देखा। बट उस टाइम सब गुरुजी में इतने खोए होते थे कि किसी को दिमाग लगाने की धुन नहीं होती थी। सब बस मस्ती में मस्त। गुरुजी इतना देते थे कि हम ले नहीं पाते थे। हम बस जो खुद को अच्छा लगता है बस वही मांग लेते थे। गुरुजी ने चलते हुए हंसते खेलते हुए न्यू लाइफ दी, सभी प्रॉब्लम्स का निदान किया और कभी भी ये फील नहीं होने दिया कि वो क्या है। बस हमें ये पता है जब हम उनके साथ हैं वी आर इन हेवन।
गुरुजी पहले फाउंडेशंस में थे, फिजिकल रूप में थे, संगत के दुख अपने ऊपर लेते और फिर दूर करते। उनके टूल्स में स्पून, ग्लास ऑफ वाटर, बहुत सिंपल वे में डॉक्टरी फेल कर देते। आज सारे फेस्टिवल्स, सब सेलिब्रेशंस, सब कुछ गुरुजी के साथ सेलिब्रेट करने का मन करता है। हम सबकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ गए हैं। हम पार्टीज़, ऑफिस जाते हैं, स्कूल, एनी टेंपल, कहीं भी घूमने, बस गुरुजी का ही बोलबाला होता है। वी आर लॉस्ट इन हिज लव कम्प्लीटली। गुरुजी बहुत डिसिप्लिन पसंद करते एंड र्यूमर्स से दूर रहना पसंद करते। उन्हें कभी किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं। गुरुजी की गाइडलाइंस वो हैं जो उन्हें अपने फिजिकल स्वरूप में दिखाए। अपना दिमाग शू स्टैंड पर छोड़कर आने को कहा, ताकि मंदिर में एंटर होकर आप सिर्फ गुरुजी पर और अपनी ब्लेसिंग्स पर ध्यान दो। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कोई मतलब नहीं। एवरी पर्सन इज़ इंडिविजुअली कनेक्टेड टू गुरुजी। डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। इसका यही मतलब है कि गुरुजी और आपके बीच कोई नहीं, कोई आपको उनके ज़्यादा पास नहीं ला सकता और ना कोई दूर कर सकता है। रिश्तेदारी मंदिर के बाहर, इनसाइड सिर्फ अंकल आंटी के रिश्ते। गुरुजी ने अपनी संगत को एक माला में जोड़ा। चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, सब एक साथ गुरुजी ने कोई पार्शियलिटी नहीं रखी। तभी सबको एक ही थाली में खाना खिलाया। गुरुजी के बड़े मंदिर की डिग्निटी बनाए रखें बाय फॉलोइंग इट्स रूल्स, लाइक मोबाइल स्विच ऑफ रखना, सबसे हम्बल रहना, सेवादारों की बात मानना, सेवा करना। सेवा सिर्फ बैच लगाकर ही नहीं होती, सेवा दिल से होती है। सेवा सिर्फ उसे मिलती है जिसे उसकी ज़रूरत होती है, किसी के कहने से नहीं। और अगर हम गॉड के सेवादार बनकर उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कहीं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मंदिर में जब आएँ तो पार्किंग सेवादार के इंस्ट्रक्शंस पर कार पार्क करें। शू स्टैंड पर अपने फुटवियर्स दें और आफ्टर द हेवन में एंटर होने के लिए प्रिपेयर हो जाएं। बी इन क्यू और माथा टेक कर सेवादार का इंस्ट्रक्शन पर बैठ जाएं एंड गुरुजी की प्रेजेंस का फील करें। चाय प्रसाद एंड लंगर प्रसाद कंप्लीट फिनिश करें। लंगर की मैट्स पर ना चढ़ें, शब्द में ध्यान लगाएं और आपके पास क्या हो रहा है भूलकर बस गुरुजी की सेपरेट दुनिया में खो जाएं। फील करें कि गुरुजी अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ हमें देख रहे हैं एंड हम उन्हें, और ब्लेसिंग्स लेकर अपने घर चले जाएं। बस इतना ही, इसके अलावा कुछ भी नहीं। गुरुजी हम संगत के लिए जो हेवन देकर गए हैं, बड़े मंदिर इज नॉट एन ऑर्डिनरी प्लेस, सो उसकी डिग्निटी बनाए रखें। गुरुजी हमारे साथ हैं, हमें कुछ भी नहीं हो सकता और ना ही कुछ गलत होगा, क्योंकि हमारी लाइफ उनके हाथों में है। हर पल उनके साथ रहने का एहसास ही अपने आप सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, क्योंकि कर्म तो सबको अपने काटने होते हैं, लेकिन गुरुजी के पास आकर ये श्योरिटी हो जाती है कि हमारा अल्टीमेट रिजल्ट अच्छा ही होगा और बुरा वक्त भी आसानी से बीत जाएगा। कभी कोई क्वेश्चन आपको परेशान करे तो गुरुजी पे छोड़ दो, बस उस टाइम को निकल जाने दो। ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर कभी अकेला फील नहीं करना, क्योंकि गुरुजी और उनकी प्यारी संगत हमेशा हमारे साथ है। गुरुजी हमें इतना इजीली मिल गए कि कभी बिलीव ही नहीं होता कि हम इतने लकी हैं। हमारे साथ शिव भगवान जी हैं। गुरुजी ने हमेशा कहा कि अच्छा पहनो, अच्छी लाइफस्टाइल रखो और बस स्माइल करते हुए लाइफ में ऐश करते रहो। प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती हैं, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो, वी नो कि गुरुजी हैं ना। गुरुजी हमें सही वक्त पर जो हमारे लिए सही होता है वही देते हैं। सो अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो शांत रहो, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि बुरा वक्त कब निकल जाएगा। हर चीज़ का जवाब हमारे पास है।
गुरुजी, अगर एक बार गुरुजी को सरेंडर कर दिया कि गुरुजी तुम्हारे हवाले ही अब सब कुछ, मैं तो बस आपका हूँ और उनकी प्लानिंग पर चलते रहे, बस फिर देखो लाइफ कैसे चेंज हो जाती है। सत्संग करने वाले और सुनने वाले को भी ब्लेसिंग्स मिलती है, उनका व्याखन कभी ख़त्म नहीं हो सकता। सो इस सत्संग को भी सुनते रहो और फॉरवर्ड करते रहो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।